हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग पे प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। मैं रोड पे चल रही हूँ और बारिश भी हो रहा है, तो आज बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं बारिश में ही निकली हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से बस जस्ट पास में ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। आगे बताऊंगी, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा आप लोग, प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे। आज मैं किसी से माफ़ी मांगने वाली हूँ। और मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मी क्या हर बात बताना और दिखाना ज़रूरी है? पर मैं कहती हूँ कि जब हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अपनी गलती भी शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए। बस वहीं पर जा रही, इसलिए मेरे वीडियो पर प्लीज़ देखिएगा, आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज़ डाली हूँ, यहाँ का फेमस चीज़ भी क्या है वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, इसलिए प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा मेरे वीडियो को। चलिए आइए। और ये देखिए मेरे बच्चों का शरारत, ये सुबह का टाइम है और इन लोगों को दे रही थी चाय और रोटी। इन लोगों का फेवरेट खाना है चाय और रोटी, वही दोनों लड़ झगड़ के खाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, उसी तरह लड़ रहे हैं सब। और मैं बाहर में आकर के वॉइस दे रही हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो रहा है मेरे घर में। और ये देखिए उड़ीसा का बहुत ख़ास चीज़ है जो मेरे भांजा आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे आप लोग इन्जॉय कीजिए। पापा आप में तो कैपेसिटी है खाने का, मेरे को भी पता है। कैसे ले रही है? इतना गरीबी को आदमी नहीं है, इतना हम खाएंगे बीकी में डाल देंगे। ये है छेना पोड़ा, ये ओडिशा का फेमस एक स्वीट्स है और ये मेरा बिल्कुल फेवरेट, बहुत ही टेस्टी है। इसमें ज़्यादा चीनी भी नहीं होता है तो आप और भी खा सकते हैं, और बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक स्पेशलिटी है ओडिशा की। कभी भी अगर आप ओडिशा आइए तो ये जरूर खाइएगा, छेना पोड़ा और सालेपुर का रसगुल्ला। इसका 300 दे देते, 250 में कपड़ा होगा। अब गोरा दिख रहे हैं, गोरा हम बचपन से हैं। बचपन से हैं, तब मेरे को क्या बोलेंगे जब आपको बोला गोरा बोलेंगे तो? मेरे को चितकावर मेरे को चितकावर मैंने छाई है इसलिए चित्ती मारा हुआ है। और वीडियो करूंगी एंड, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और बात ये थी, लास्ट में बोल रही हूँ, ये बात ये थी, मैं एक बूढ़ी आंटी है जिससे मैं गोईठा ली थी लिट्टी बनाने के लिए। वो आंटी को मैं प्रॉमिस करके आई थी कि मैं शाम को दे दूंगी। मैं लगभग 2 बजे गई थी और मैं प्रॉमिस करके आई थी कि मैं आपको 4 बजे में आ करके पैसा दे जाऊंगी। पैसा ले करके गई थी पर उनके पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने कहा बाद में दे देना। मैं बोली कि मैं तुरंत 2 घंटे में ला करके देती हूँ, पर मैं नहीं जा पाई। और लगातार ऐसे ऐसे काम आते गया, काम से अगर फ्री मिली तो भूल गई, ऐसे ऐसे होते गया। और लगभग वो आंटी का 15 से 20 दिन हो गया और मैं नहीं गई। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि नहीं, आंटी को प्रॉमिस करके आई थी कि दूंगी और नहीं दी। तो आज गई वो आंटी के पास में, जैसे कि रास्ता में मैं बोलते गई और किसी वजह से क्लिप कट गया मेरा, तो मैं नहीं डाल पाई, जो कि मैं कैमरे के सामने ही उनको बोली कि हाँ मेरे से गलती हो गया आंटी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं उतना उस दिन बोल करके आई थी मैं दूंगी और दी नहीं, आज तक नहीं आई, तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं पता है, 10 रुपया 12 रुपया के लिए कोई भागेगा थोड़ी, मुझे पता था तू आज ना कल आएगी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं उनको जितना उनका था 10 रुपया ही था, पर था कि मैं प्रॉमिस करके आई, मैं बोल के आई और मैं नहीं दे पाई, बहुत बुरा फील हो रहा था। बस मैं अपनी गलती उनके पास स्वीकार की हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों को दिखा दूं।
तो चलती हूँ। वीडियो में आप लोग आई होप इंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बाय बाय।